मेरे को तो जब से होश संभाला है तब से इसी काम में लगे, जरदोजी का काम तभी से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा यही काम करते चले आ रहे थे, तो जाहिर है हमें भी इसी काम में लगा लिया उन्होंने। मेरी उम्र उस वक्त होगी लगभग 13 साल की, और क्योंकि अब इस काम में इतनी ज़्यादा मजदूरी नहीं है जो आदमी अपने गुजारा कर पाए, इसलिए आने वाली नस्ल जो है शायद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है अब इस काम को न करे। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। यह जवाल जो इसका शुरू हुआ है ना काम का, वो हुआ है ये अभी 20-25 साल के बीच में। क्योंकि आमदनी नहीं है, मजदूरी नहीं है इस काम में, नम कारीगर जो हैं इसके वो बेचारे क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये कमा लेता है पूरे दिन में। आज भी, आज की पोजीशन बता रहा हूँ, बहुत गरीबी है, जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं बहुत गरीबी है, और जो हम जैसे ठेकेदार थोड़ा बहुत ला करके कर लेते हैं, हम भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा 400-500 रुपये हद से हद मटेरियल के पैसे बढ़ रहे हैं रोज़ बरोज़। कभी हम बचपन में सुनते थे आज सोना ये भाव है, कल ये भाव है, लेकिन आज मटेरियल हो या दाल सब्जी हो, रोज़ रोज आना महंगाई है। हम 8 साल की उम्र से कर रहे हैं, 9 साल की उम्र से पढ़ा तो था नहीं, अपना कुरान पढ़ के बस ये कर रहे हैं काम। शौक था ये करने का? नहीं, हमारे खानदानी काम है ये। अच्छा। पीढ़ियों सब नाना दादा सब यही करते चले आ रहे हैं, छोटे छोटे उम्र से काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे सीखते हैं। अभी लॉकडाउन से साल भर से बिल्कुल नहीं चल रहा काम, ऐसे आ रही है 10 पीस आ गए, 8 पीस आ गए, ऐसा चलता है, फिर बैठ गए 15 दिन महीना, फिर आ गया, इस तरह से आ रही है काम। 20 रुपये घंटे देता है, मिलते हैं 1 घंटे के 20 रुपये। अच्छा। अभी हम 5 घंटे सियेंगे जो हमारे 100 रुपये मिलेंगे। अच्छा। हाँ। और काम में दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कतें भाई ये ना तो कमाई है इसके अंदर, बस मेहनत ही मेहनत है, करे जाओ भाई ये समझ लो घर में बैठ के कर रहा है इज्जत से, बस ये समझ लो। कारो तरक्की तो इतनी है नहीं ना, ज़्यादा वो है अखराजात ज़्यादा पूरे नहीं होते इसके अंदर, सब बच्चा बच्चा करता है, जब जाके खर्चा पूरा होता है, आँखों से कमज़ोर हो जाती है आँखें, चश्मा लगता है 5-5, 6-6 नंबर का, फिर भी सीते हैं काम। अब नहीं का तो फिर खर्चा पानी कहाँ से चलेगा। हाँ, उंगलियाँ दुखती हैं, तकलीफ़ होने लगती है, सख्त सुई निकलती है तो तकलीफ़ होने लगती है, असर पड़ता है, सर्वाइकल हो जाता है। हाँ, सर्वाइकल हो जाता है। अब हमें तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। हम इंजीनियरिंग करते हैं लोहे पे, पीतल पे, कोई सी भी आइटम हो उस पर डिज़ाइन निकालते हैं, कोई मार्क हो कंपनी का, कुछ भी हो सब काम करते हैं। तो ये हाथ से किया जाता है, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप उसमें, चीज़ें क्या इस्तेमाल करते हैं? हाथ से बाग होती है, हथौड़ी होती है, और हमारी औजार होते हैं हाथ के कलमे, उसी से करते हैं। ये हमने बड़े भाई से सीखा है, खानदानी काम है जी हमारा, 40 साल हो गए, 35-40 साल मिलेंगे, 10 साल इतना वक्त लगा। जी जी जी, इसमें सीखे नहीं आते, दिमाग का काम है सारा, दिमाग माइंड अच्छा होगा, हुनर अपना आप आता रहेगा। कितने साल हो गए करते हुए? सर हम मिल तो होगा 15 साल। 15 साल तो 15 साल पहले और आज 2023 में आपके पास काम में कितना फर्क आया? बहुत फर्क है जी, बहुत। क्या? 40% का फर्क है, कम हो गया, और कम महंगाई हो गई, काम धंधे है ही नहीं, कंप्यूटर मशीनें आ गई हैं, इससे हमारा काम बहुत दब गया है। तो मशीनों से हो जाता है काम ज्यादा आसान? हाँ, मशीनों से हो जाता, सस्ता हो जाता है, हमारे हाथ का काम सब खराब हो गया, अब वो कमाइया नहीं रह गई, जैसे मशीन आ गई, अब कमाई बहुत आधी से भी कम हो गई, बहुत घट गया, सबने काम छोड़ दिया, कोई कुछ काम कर लिया, काम आधे से भी कम हो गई, जैसे मशीन आई है। पहले ज्यादा लोग करते थे? ज्यादा लोग थे, सब लाइन से बैठे थे, सब चलेगा, छोड़ सब लाइन चेंज कर दी। उस जमाने में कितने एंग्रेवर्स थे? जमाने में थे 25 से 30, अब 10 ही रहेगा, 10 से 12। घर का काम चल जाता है, इतना हो जाता है, अल्लाह का शुक्र चटी होनी चल जाती है, जुड़ नहीं पाता। आगे अपने बच्चों को, आगे की जनरेशन को आप सिखा रहे हैं ये काम? नहीं, अब नहीं सिखा रहे, लाइन चेंज करेंगे आगे, हमें दिख रहा है आगे लाइन काम चलेगा नहीं, बच्चों का फ्यूचर खराब होगा, फायदा नहीं। क्या प्रॉब्लम है इस काम की? अब मार्केटिंग जैसे मशीन आई है ना, हमारा काम सब गिर गया, हाथ का सब आधे से ज्यादा कारीगर ऐसे ही बैठे हुए खाली, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ, कोई कहीं ना कहीं रोजी रोटी कमा रही है इस काम में, वो पहले ऐसी मजेदारी नहीं रही। लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं आपके पास काम करवाने के लिए? जाते फिर वो पैसे नहीं देते, पैसे मांगते हैं, बहुत सस्ता, बहुत महंगा मांग रहे, मटेरियल महंगा है, हर चीज महंगी है, बताइए
मटेरियल भी महंगा है, हम मटेरियल के पैसे मांगते क्या रखते बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ग्राहक चला जाता है तो मशीन पे सस्ता हो जाता है, इस वजह से हमारी बहुत वो है। आप अगली जनरेशन को सिखा नहीं रहे हैं आपके पास? पढ़ाई करेंगे जी, पढ़ाई करवाएंगे बच्चों। आपको पसंद है काम ये? मेरा नाम है मोहम्मद जमील, मुझे ये हो गए 45 साल, खानदानी चला रहा। तो गए आपके बच्चे करते हैं? बच्चे नहीं करते। बच्चे क्या करते? बच्चा मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वो इसमें क्यों नहीं आए? इस काम में अब धंधा नहीं है, 3 रुपए की 4 रुपए की। उस टाइम अब तो सबों ने मोटर लगवा ली, मोटर लगवा ली, हमने बिजली फिटिंग हो गई, छुट्टी हो गई, अपना पैप से पानी जा रहा। सबसे बड़ी दौलत फ्री की एक पानी है। और कातिक के बाद देखो टाइम लगता है, कातिक पर कातिक कितना करेगा ज़्यादा, 15-20 पेज लिख लेगा कंप्यूटर, 100 पेज निकाल कर फेंक देगा एक दिन में। जी वही मैंने बात कही, जब तक के रोज़गार से नहीं जुड़ेगा कोई फन या कोई भी चीज़, वो जब तरक्की नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि पब्लिक या कोई भी जो होता है वो रोज़गार को देगा। आदमी पढ़ रहा है, बहरहाल पढ़ने के बाद वो जो भी तो तलाश करता है अलग अलग कैटेगरी। आपके पास अभी कितना काम बचा है? जो आपने कहा 80s में आपके पास इतना काम आता था, फिर 90s में आके कंप्यूटर के आने के बाद काम कम होता गया, तो कितना काम अभी आपके पास आता है और किस कस्म का काम आता है? देखो जब से लॉकडाउन में 4-5 महीने बेकार कर दिया हमारा भी, लॉकडाउन से पहले भी। अच्छा, हालांकि मेरे पास फोन तो आते रहे काम वालों के जी, लेकिन कैसे नहीं लोग, मतलब ये था मेरे कहने का, हमारे पास शादी कार्ड जैसे हुए, सेहरे वगैरह हुए, कोई टुकड़ा बनाने आ गया है, जो काम कंप्यूटर से नहीं होता वो हमारे पास आता है, बस ये है मकसद सारा। मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ लेडर बाइंडिंग का जी, हैंडवर्क में सारे काम हैंडवर्क होते हैं और पुराने रिपेयर होते हैं, रीबाइंडिंग होती है और एक उसको नया जिलत करके फिर हम एक दे देते हैं वापसी। पहले के काम जो थे वो किताबें शौकीन लोग जो है कि बहुत अच्छे से बनवा करके अपने घर में रखते थे, पढ़ते थे, उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते। आज के डेट में जो है कि टेक्निकल सामान आ गया है, जैसे मोबाइल है, सारी चीज़ उसमें से निकल जाते हैं, हर चीज़ का डाटा बना हुआ है, किताबें भी है कि मोबाइल खोलो अपना फौरन चीज आ जाता है। ये सब चीज़ जो है कि एक तरह का जो हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक बार अगर डाटा डिलीट हो जाता है तो सारी चीज़ डिलीट हो गया। आज के पहले के टाइम में था कि ये हमारा रिकॉर्ड है, ये चीज़ जो है कि हमें खोल के कोई भी जरूरत पड़ा तो हम खोल करके फौरन देख ले। पहले डायरी भी हमें कि एक सीजन में 5-5, 6-6 हज़ार डायरी बनाते थे और आज के डेट में है कि 200-300 डायरियाँ बन रही है लेदर में। ऐसे शौकीन लोग तो थे कि 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये वाले डायरियाँ बनाते थे और आज के डेट में 400-500 भी नहीं बनते, 6-6 हज़ार जहाँ से बनते। तो आज के डेट में सारे मोबाइल यूज कर रहे हैं लोग और काम जो है कि समझे कि इनके 1.5% हो से भी कम हो गया हुआ है। पहले के टाइम में था क्या, समझिए कि 10% है पुराने दिल्ली में आके कारखाना रह चुका है, 10% से भी कम ही होगा। तो इस तरह से जो है कि बहुत बाइंडिंग का काम तो समझिए कि ना के बराबर है बिल्कुल भी। ये मोबाइल आ गया जब से डिमांड किताबों की कम हो गई, अब क्या करेगा गरीब मजदूर आदमी कैसे जिएगा इस हिसाब से, इस चीज को नहीं छोड़ना चाहता। इतना होता है कि आपका जो है गुजर बसर सिर्फ किताबों से चलता है? नहीं इतना नहीं है, लेकिन आ जाता है जिस तरह से भी ये चला रहे हैं, जो ऊपर वाले जो भेज रहे हैं वो कर रहे हैं ना। किसी से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल। हमारी फैमिली में ये 52 से दुकान है ना, उसके बाद से चल रही है, 60 से समझ लीजिए, 1960 से। यहाँ पुरानी दिल्ली में तो कोई नहीं है इसके अलावा, और कोई दुकान नहीं, पहले ये बराबर की दुकान थी, उसके बाद ये दुकान हुई, और कोई नहीं, यही बच्चे नहीं सीख रहा।
वो कहते हैं ये काम नहीं करना, एक ने डॉक्टरी करी है, एक मोबाइल का करता है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आपने किसी को तो सिखाया नहीं? नहीं, और बच्चे और चार भतीजे बहुत हैं, दो भाई हैं सिर्फ, एक लिखते हैं और एक होते हैं। वो लिखते हैं और आप सारा हाँ काम हाँ उनकी एक शॉप और है ना आगे, उस पर काम करते हूँ। नहीं ये यही लोहे का सामान बेचते हैं। कस्बे के अलावा मस्जिद के भी आते हैं, मकान के भी आते हैं, मंदिर के भी हैं, धर्मशाला के भी हैं, सभी तरह के आते हैं। कस्बे का तो ये नाम, तारीख, वलियत, ये एड्रेस यही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता उसमें। पहले लोग ज़्यादा लिखवाते, पहले लोग लिखवाते शेर शायरी लिखवाते थे, खते लिखवाते थे, अब लोग नहीं लिखवाते, ना कोई लिखने वाला है, अब शेर लिखने के लिए, तारीखें निकलवाने के लिए अब लोग नहीं रहे। नाच के जनरेशन जानती है इस चीज़ को। बहुत पुश्तैनी काम चला रहा है सन 45 से हमारे ये हमारे वालिद साहब, फादर ये सब किया करते थे, तो ये जब से चल रहा है। आपने अपने बच्चों वगैरह को सिखाया है? अब क्या है कि इसमें और कोई स्कोप है नहीं, ये तो हमारा एंग्रेविंग का काम है, तो इस वजह से चल रहा है। पहले जो है अखबार, रिसाले, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी हाथ से, और जब से कंप्यूटर आया तो सब कंप्यूटराइज हो गया। ये घड़ी का काम कब से कर रहे हैं? 78 से, मेरी उम्र उस समय जो थी 13 साल। हमारे वालिद हमारे उस्ताद थे। तो ये वालिद की दुकान है? जी जी, हमारे वालिद साहब की दुकान है, तीन भाई बैठते हैं, आते हैं काम करते हैं। पहले जितना काम होता था आज के जमाने में उतना काम तो नहीं? नहीं उतना नहीं, उतना काम नहीं, पहले जितना काम था ना उतना काम अब नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे। फिर तो बस आप ही लोग हैं अभी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं आप? बस हम ये पुराने ही दो काम करने वाले हैं, बाकी तो चार दुकानें और थी वो खत्म हो गई, कुछ एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों ने काम खत्म कर दिया, बस हमारी अब यही पुराने दुकान। तो आपने अपने बच्चे वगैरह को सिखाया है? इतनी जगह नहीं, थोड़ी दिक्कत है। बाकी आप चाहते हैं कि आगे आपके जो बच्चे हैं वो यही काम आगे कंटिन्यू करें? बच्चों के अंदर अब इतना शौक नहीं है इस काम का, आजकल वो थोड़ा ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं, रगड़ के जो है ना वो पुराना याद भी कर सकता है, नया बच्चा तो करेगा नहीं, तो कंप्यूटर वाला मामला है, तो इसलिए हम तो कुछ चाहते हैं कि ये काम आगे चले। तो देखिए आप सारी दुकान पर ये सब रिपेयर का ही काम आया, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से, पुरानी चीज़ें इतनी मजबूत बनी हुई है कि इतने चलने के बाद भी आज तक आया मैं, लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर पैसे तो ज़रूर बढ़ गए लेकिन माल घट गया, वो इतना अच्छा नहीं है। और आप घड़ियों का काम कब से कर रहे हैं? 52-53 साल, 53 साल हो गया मैं करते हुए, असर तो पड़ेगा, तो एक आंख पे ज़्यादा असर होता है, इसलिए इधर लग रही है, एक आंख पे ज़्यादा असर, हाँ क्योंकि इधर लगा रहता है ना, इसलिए इधर की निगाह कमज़ोर होती है। नाम है हमारा फरतुल्ला और ये उम्र सारी हमारे दादा परदादा ये काम करते चले आ रहे हैं घोड़ों का, हम 8-10 साल की उम्र से ये काम करते चले आ रहे हैं, हमारे को और कोई दूसरा काम नहीं है, हमारे बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, हम भी ये काम कर रहे हैं। तो जी ये है कि अब उम्र हमारी 60-62 जो भी उम्र है इसी में हमारी ख़त्म हो जाएगी। पढ़ाई का मतलब ये ऐसा है ना, पहले इतनी नॉलेज नहीं था, आज के बच्चे पढ़ रहे हैं, पोते पोती नाते नाते, अब छोटे बच्चे हैं तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, पहले इतनी नॉलेज नहीं थी हमारे को, इतनी हमारी कमाई नहीं है जो आगे हम कर सके काम।
ये हमारे परदादे के टाइम से आया चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। आसपास की बेटियां जो है उन्होंने मशीनें लगा दी है, लेकिन आपके यहाँ अभी भी वही टाइम वही चल रहा है जो हमारे बड़े कर रहे हैं। आपने क्यों चेंज नहीं किया? वो टेस्ट का टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा, हमारा जो चल रहा है वो टेस्ट खत्म हो जाएगा अगर वो करेंगे तो। इसमें कितनी मुश्किल रहती है? मुश्किल इसमें मुश्किल बहुत रहती है। सुबह के 4 बजे उठना पड़ता है, एक गुल बनाना पड़ता है हमें, उसमें पूरे लागत लगती है। सुबह शाम एक कारीगर रहता है उसके साथ, एक गुल बनता है। फर्क क्या रहता है दोनों में, इलेक्ट्रिक वाले में? फर्क ये रहता है टेस्ट बदल जाता है, जो जो चीज़ स्वाद है इसमें और किसी स्वाद में। आपको लगता है ये ऐसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, हमें भी कुछ नहीं करना ही पड़ेगा भाई। तो आपको लगता है कि कुछ दिन का है मामला, बंद करना पड़ेगा? हाँ कुछ दिन का मामला है ये, कभी भी कुछ हो सकता है। जो सारे दिन उड़ाते हैं, सुबह से चढ़े तो शाम हो गए उनको, वो उससे खाते हैं उससे कमाते हैं। कमाई हो जाती है? हाँ हो जाती है। आज के टाइम में कबूतर बहुत महंगा है, तो इसलिए अगर उन्होंने 2 भी पकड़ लिए तो उनके 1,000 रुपये तो बन गए। उड़ाने वालों में कम से कम भी 1,500 या 2,000 रुपये, महंगी से महंगी में। सबसे सस्ता ऐसा है कि जैसे कि 250-300 रुपये का। गुलाब सिंह जॉरिमल सन 1816 में स्थापित हुआ था, जहाँ बैठे इसी जगह, और हमारे परदादाओं ने इसको यहाँ पे स्थापित किया था, ये व्यापार शुरू करा था। लाला गुलाब सिंह जी और उनके सुपुत्र लाला जॉरिमल जी दोनों ने मिलके ये फर्म बनाई, गुलाब सिंह जॉरिमल। देखिए पहले सिर्फ नेचुरल होते थे, ओनली नेचुरल, फिर जिसको इत्र बोला जाता, आज भी इसको इत्र ही बोलते हैं। लेकिन समय में बदलाव आया, समय में बदलाव ये आया कि नेचुरल वाले जो है वो इत्र बहुत महंगे हो गए, अब उसकी जगह क्या चीज़ आ गई, सिंथेटिक आ गया। सिंथेटिक जब इत्र का, तो हम उसको धीरे धीरे इत्र ना बोल के हम उसे परफ्यूम बोलने लगे। अब जो चीज़ स्प्रे में आ गई वो तो परफ्यूम बन गई, जो चीज़ इत्र की शक्ल में बिना स्प्रे के वो सिंथेटिक इत्र भी बन गई। और प्योर इत्र चाहिए तो प्योर इत्र बोलो आप, अगर आपको प्योर चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा हमें प्योर इत्र चाहिए। अगर आप सिर्फ इत्र बोलोगे तो आपको आज की डेट में सिंथेटिक इत्र दे दिया जाएगा। बट इफ यू वुड हैव गॉट जस्ट स्टक विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो आज हम कहीं भी नहीं हैं, क्योंकि इतना तो नेचुरल प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता जितना यहाँ डिमांड है। आप समझिए, अगर आज आप बोलो कि भाई इतना सिर्फ प्योर इत्र आप बेचो, आप सिंथेटिक मत बेचो, तो पहली चीज़ तो बिकेगा नहीं क्योंकि कॉस्ट इतनी है, और दूसरी चीज़ ये अगर चलो बिक भी जाएगा तो इतना आप पैदावार कैसे करोगे उसको? हम 8 जने तो हम मैनेज कर रहे हैं, 2 स्टोर्स और 1 फैक्ट्री। आज इज अ जनरेशन विच लर्न फ्रॉम अवर फादर्स एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम देम आल्सो। सो आज जनरेशन इज लाइक, हमारे पिताजी ने कहा कि भाई ये काम ऐसे होना है तो हमें वैसे ही करना है, और आज वो जो हमारी हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो हम कहते हैं ठीक है ऐसे कर लो। So our generation is something of that sort. So we have to make them comfortable, make them feel comfortable, give them a proper zone. उनको एक आयाम ये देना पड़ेगा कि अच्छा भाई आप फ्री हो, आप काम करो। बनिया जो कम्युनिटी है हमारी, इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, इट इज़ नॉट सपोज टू वर्क themselves. आज मैं कहूँगा एक कि बनिए के बच्चे जो हैं वो नौकरियाँ कर रहे हैं, जबकि एक बनिए का बच्चा कम से कम 10 से 15-20 लोगों को नौकरी दे सकता है, ये उसके जीन्स में है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं बनाई गई, हमारे यहाँ कल्चर वही लाया गया, ओके 9 to 5 एंड सैटरडे संडे ऑफ। जब आप दुकान लेके बैठते हो, कोई फैक्ट्री चला दो, देर इज नो ऑफ।
बाकी तो होश संभाल कर रहे हैं बचपन से। दुकान आपकी कब से है यहाँ? हमारी दुकान 100 साल से भी पुरानी है, हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं। दादा परदादा का काम लकड़ी का ही था? ये बल्ली मारे सारी मार्केट ही लकड़ी की थी। अब तो ये है कि लेन चेंज हो गई कि भाई चश्मे की मार्केट बन गई है, वरना सारी लेन सारी लकड़ी का ही काम था। अच्छा। और सबसे पुराने यानी कि बल्ली मारने आने वाले हमारे पुराने लोग ही हैं, दादा परदादा। पहली दुकान हमारी थी। अच्छा। हमारे बाद में सबने स्टार्ट करा है, तो उस टाइम में दौर था ऐसा कि लकड़ी के काम की बड़ी डिमांड थी। आपके पास ये दुकान नहीं चल रही? तब तक चल रही है, चल रही है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है थोड़ी क्या हमारी तरह जो लकड़ी छिलता रहेगा। आपने किया कब, किस उम्र से आपने शुरू किया था? हम ये 7-8 साल के थे जब से दुकान पे आना चालू करा हमने, 10-12 साल से हम काम उम्र से काम चालू कर दिया था। हमारी दुकान कम से कम 100 साल से पहले की है। पहले लकड़ी का काम ही करते थे हमारे, पहले हाथ से कमानी का काम करते थे। 1967 में दावत लगी हमारी यहाँ, इधर ही आओ। पहले कमानी पे काम करते थे, कमानी पे हाथ से कमा कर अपनी मशीन लगी जी। हमारे वालिद साहब काम करते थे जी। फिर मैंने 42 साल काम करा बैठ के मशीन पे। अच्छा। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये बच्चे दे दिए, उन्होंने मेरा काम सीखा नहीं। अच्छा। उन्होंने चश्मे का काम सीखा, काम कर लिया। मैं चाहता था हमारा खानदानी काम है हो ये, लेकिन उन्होंने करा नहीं। मेरे पास सारी मशीनें हैं, मैंने कुछ भी नहीं बेचा। मैंने कहा मैं मर जाऊँ जब बेचा, मैंने मेरे बाप की मिठाई है रखा हुआ मेरे दुकान में, सारा सामान है आ रहा हुआ, लकड़ी काटने का आ रहा है, मशीनें मोटर सब कुछ है। तो मशीन के साथ काम करने पे वो भी तो रहता है मसला कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए। बहुत काम करते हुए एक दफा ये आधी उंगली देखो, ये आधी उंगली उड़ गई। डॉक्टर कहने का लेकर आओ, अब से डूब जाए, ढूंढने आए नहीं मिली। हाँ भाई, आपको उसी काम में जो एक दिल में होता ना शुरू शुरू से बचपन में एक होता डर, जब दो चोटें लगती रही डर निकलता है। हमारा तो ये खानदानी काम है। तो आपके अब्बा, आप रहने वाले कहाँ के? अमरोहा के पास काशमपुर में गांव है वहाँ के। तो पहले वहीं पे करते थे या यहाँ पे आके शुरू किया? नहीं, घर पे भी करते थे, यहाँ भी करते हैं। तो अब ब्लैंकेट आ गए, लिहाफ तो लोग कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वैसे पहले से कम हो गया काम, अब ये काम नहीं रहा, फैशन में आ गया। कम्बलों पे ज्यादा आ गए या फैंसी रजाई चल पड़ी, जैसे आपकी कंपनी है, आप घरों में भेज देते फोन आ जाता, तो अब वो कम ज्यादा आ गया, लोग ऐसे बनवाने कम आते। हाँ, कम आते हैं, जाता है 1000-2000 रुपए का काम, कमती बट्टी भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए। यहाँ पे आपका घर, यहाँ पे रिहाइश कब से? यहाँ 20 साल से ऊपर हो गए, अपने अपने विचार की बात है, इंसान सब एक है जी। इससे हाथ से कम धुनी जाती है, मशीन रेसा रेसा अलग कर देती है, फर्क होता है। तो मशीन इससे कच्ची रहती है, उससे पक जा खुल जाती, सही हो गए। पैसे तो हाथ से ज्यादा लेते हैं, मशीन से कम रहते हैं। हाथ के कितने होते हैं? हाथ के 50 रुपए किलो, मशीन से 30 रुपए किलो। बाकी के टाइम में जब आप काम करते हैं गर्मियों में तो कुछ कम पैसा हो जाता है? बढ़ा देते हैं पैसे, काम कम होता तो पैसे बढ़ा देते हैं, और क्या तेल तो तिल में से ही निकलता, क्या करें। मसला नहीं होता है सांस लेने में? नहीं, वो कुछ नहीं, वो मिठाई खा लेते हैं, गुड़ मीठी चीज खा लेते हैं, गुड़ तो मीठी चीज से क्या है? मीठी चीज से सब नीचे चली जाती है। शेयर करता हूँ तो, अरे बेवफा के मार गोली, या तो मिसले हो या पहलू अपने में हो या निगाह से दूर हो। तो मासूम ने कहा ये हमारी बेवफाई थी, और तुमसे दिल लगाया था, हजारों को छोड़कर तुमको अपना बनाया था। Thank you.
चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। पार्टी है जैसे तो कपड़ों की फैंसी हो जाते हैं जी, तो हम पतंग के अंदर भी पार्टी बदलते रहते हैं, दो साल तीन साल चार साल के बाद कोई दूसरी क्वालिटी दूसरी क्वालिटी अभी बहुत निकलता रहता है। पहले फिर कोई 12 महीने कम नहीं है ना, अभी खाली मजदूरी मिलती है आपको बता रहे 400-500 रुपये हमें मजदूरी मिल जाती है सुबह शाम तक, बाकी ठेकेदार है वो करते हैं। जैसे हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो अभी 8-10 हज़ार या 12 हज़ार इससे कम से ज़्यादा मिलती है, वही यही है मजदूरी का काम। हमारे डैडी बस भाई का काम करते थे और हम भी यही काम करते बारह। स्टार्टिंग से ये ऐसे जयपुर ही आते थे ना, जयपुर से आते थे ना, उन्होंने काम स्टार्ट करा था, ये स्टार्ट तो वहीं से चलता हुआ था, बरेली जयपुर से। ये दिल्ली वालों को आके उन्होंने बताया ऐसे करो ऐसे करो, जब उन्होंने हम करते चले गए, जब से हम करते चले आ रहे हैं। एक कारीगर पहले ये काम करेगा और फिर दूसरा कारीगर इसकी कमान चलाएगा और तीसरा कारीगर इसकी ये जो नीचे मेरा नाम श्रीमती संध्या सक्सेना है जी, और अपना ये पतंग का काम चलता है हो गए 10-12 साल। 10-12 साल से आप रहने वाली कहाँ थी? राजस्थान। राजस्थान में ये काम होता था? नहीं। अच्छा, सुबह काम निबड़ाना पड़ता है, सुबह 10 बजे तक काम निबड़ा रहे, फिर 12 बजे लगाने बैठ जाती हूँ, 7 बजे तक मेरा काम ये भी निबड़ जाता है। खाना वाना भी पकाना होता? शाम को बनाते हैं, 10-12 बजे खाते हैं रात के। तो काम कभी बोरिंग नहीं होता, काम करने वाले के ऊपर डिपेंडेड होता है ये। बिल्कुल सही बात। अगर काम करने वाला अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है तो उसको कोई काम बोरिंग नहीं लगेगा। अगर अपना बिजनेस हम खोलते हैं जी, तो किसी शॉप पर हम काम करते हैं, अपनी दुकान अगर हम करते हैं तो सालों साल चलती है, तो वो काम बोरिंग नहीं होता। तो यही हमारा घरेलू एक बिजनेस है, तो हमें यह काम बोरिंग लगता है, इससे हम रोटी खाते हैं। तो फिर हमारी मम्मी ने कहा कि लड़कियों को बाहर निकालना उस टाइम में संभव नहीं था, तो हम घर में बैठ के ये काम करते थे। अच्छा, तो इसी काम से ही हमारी मम्मी ने हमारी शादियाँ की। अच्छा, हाँ। इसको 60 साल हो गए हैं इसको अखाड़े को। पहले उस साइड में था उर्दू पार्क, वहाँ सामने जामा मस्जिद के सामने उर्दू पार्क है, पहले वहाँ था यह अखाड़ा। 98 के अंदर एक्सपायर हुए मेरे फादर, तो उस हमारे दादा भी यही कराया करते थे पहलवानी। हमारा अपना पर्सनल अखाड़ा है। जिम की तरफ तो ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि उसके अंदर बॉडी जो है बहुत जल्दी जो है डेवलप हो जाती है जिम के अंदर, क्योंकि वो प्रोटीन वगैरह बच्चों को देते हैं जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं अपनी, यानी कि बच्चों के लिए। वो तो जो रियल चीज़ है ना, ओरिजिनल घी है, दूध है, समझ गए, बादाम है, ये तो रियल चीज़ें हैं, कुदरत की बनाई हुई हैं। अभी प्रोटीन वगैरह जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, बच्चे तुम्हारा वो लेते हैं भाई। बच्चों को तो ये होता है कि भाई शाम के हम एक महीने के अंदर ही टी शर्ट पहने अच्छी खासी, और हमारे शोल्डर वगैरह थोड़ा सा अच्छे लगे, बस पर्सनैलिटी बनाने के लिए बच्चे करते हैं, वो जिम के अंदर हो जाता है। फिर अगर नहीं करते तो फिर डाउन हो जाती है। हमारा ये परमानेंट रहता है आदमी ये करने वाला। दिल्ली में तो बहुत कम हो गए अखाड़े, अब 15-20 अखाड़े रह गए बस, नहीं तो हर गली कूचे के अंदर पहले अखाड़े हुआ करते थे। सब बिल्डिंग बन गई लोगों ने, फ्लैट्स। पुराने दिल्ली में बहुत अखाड़े थे जी, कम से कम 100 के करीब होंगे अखाड़े पुरानी दिल्ली में। अब ये मैं अपने होश की बता रहा हूँ, अभी कोई 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सब बिल्डिंगें बना दी लोगों ने अपने बना बना के, समझा। अब पुरानी दिल्ली के अंदर 2-3 अखाड़े हैं, जो मेरा अपना अखाड़ा है, 1-2 अखाड़े और हैं जहाँ बच्चे नहीं जाते, लेकिन मेरे अखाड़े में वहाँ भी आते हैं। ये तो हम लास्ट हैं समझ लो, कहते हैं ना ये लास्ट पीढ़ी है हमारी जो हम करा रहे हैं, हमें कोई नहीं है, हमारी ओल्ड डेली से ख़त्म हो गया ना, सिर्फ हम ही हैं जो करा रहे हैं इसको।
इस काम से हमारी पहचान है, पहचान है, लोग हमें जानते हैं, ठीक है ना, लोग हमें जानते हैं, हमारे दादा यहाँ के बहुत पुराने रहने वाले हैं, सब उन्हें तो अच्छी काम की वजह से पहचानते हैं। ये देखिए नाखून नहीं बढ़ते उंगलियों के, किस पे रहते ही हैं, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये बढ़ते नहीं है, नहीं ये बढ़ते नहीं है, बर्तन पे घिसते रहते हैं, नहीं हम बर्तन अच्छा। मांझते हैं, टकराते रहते हैं बर्तन से, तो नाखून नहीं बढ़ते। अभी हमारा अंदाजा ये 6-7 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र जो है 71 की पैदाइश है मेरी। अच्छा। बस ये देख लो भाई, अब घर के हालात ऐसे थे, हमने पढ़ाई करी नहीं, सीखने में 2 साल में तैयार हो गया था। हमारे उस्ताद जो करा करते थे ना, मैं सिर्फ देखता था ये किस तरह हो रहा है। एक दिन में बन जाते हैं 200-300 पीस रोज के, जनवरी फरवरी मार्च, मैं 3 महीने सीजन ले पाई है। और फिर बाकी के दिन क्या करते हैं? बाकी के दिन बनता है, स्टॉक करते हैं हम, फिर वो जनवरी में लेकर ये जितना स्टॉक करेंगे हम उतने कम है। जैसे आपने कहा 200-300 एक दिन में बन जाते हैं, तो उसकी आमदनी क्या रहती है? आमदनी बस दिहाड़ी का हिसाब है, 500-600 रुपए दिहाड़ी, ये हमारी रोज की बात है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी जी, 9 से 6 तक जी, 1 घंटे का लंच जी, बस 500 रुपए दिहाड़ी है हमारी। मेरे को 2 साल लगे सीखने में, ये काम शुरू से चला हुआ रही और अच्छा चलता है। इस काम में जो ना व्यापारी गरीब है, जो बेचारा बेचता है वो जमा पूंजी करके लेकर आता है पैसा, अपना माल लेके जाता है पेटी बेचने के लिए, और आप ग्राहक को देखोगी तो खुद ही हैरत करोगी कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं, रेजगारियाँ लाते हैं माल खरीदने के लिए, रेजगारियाँ नोट जमा करके 2-2, 5-5। अब तो शादी ब्याह में भी लग रही है, पार्टी वगैरह में भी लगती है, इसी मारे और काम के तेज होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में चोट वोट लगती है? वो तो नॉर्मली लगेगी जब लोहे का काम होगा, तो जब ही तो लोहे का बनेगा आदमी, जब लोहे से चोट खाएगा। काम एक्चुअली फैमिली बिजनेस तो अभी ज्वाइन किया है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। फैमिली बिजनेस आपका कब से चलता? अबव 100 इयर्स। तो आपके यहाँ यही काम कुल्फी का ही चलता रहा है? बेसिकली सिर्फ यही काम नहीं है जी, मोल्ड तो हम काफी कुछ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुल्फी जहूर पेटी उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था कि ऐसे भी कुछ बनता है, स्टार्ट किया। अब भी 3 या 4 लोग ही बनाते हैं पुरानी दिल्ली में। तो यहाँ पुरानी दिल्ली में कितनी जगह पे इसका काम किया जाता है? तीन जगह पे काम किया जाता है। हम करने सके, गरीबी हालत थी जी, तो पैसों की जरूरत थी जी, तो माँ बाप ने जो ना मैं इस लेन के अंदर डाला। और अभी आपके पास कितने उस शागिर्द हैं, कितने लोगों को आप सिखा रहे हैं? 8-10 शागिर्द हो चुके हैं, 6-650 रुपए मिल जाते हैं शाम तक। 30 साल से आप यही कुल्फी यहाँ पे बेच रहे हैं कि अब्बा भी यही काम करते हैं? ये भी यही काम करते हैं, शुरुआत उन्हीं ने करी थी हमारी, अब्बा ने, वालिद ने। पहले हमारी चावल बाजार में दुकान हुआ करती थी। अच्छा। मेरे चाचा ताया सब उसी दुकान पर बैठा करते थे, वो सब दफूगरी करते थे। हाँ, पहले दफूगर के नाम से शॉप थी। अच्छा। फिर उसके बाद सब आज तक सब अलग अलग हो गए। 6 क्लास में मेरा बच्चा, अभी मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई पर फोकस करे, इसके ऊपर फोकस ना करे। हाँ, आगे चल के जब देखूंगा तो ग्रोथ समझूंगा, तो उसको भी मैं काम सिखाई दूंगा मैं, ताकि आड़े वक्त के अंदर वो भी होना हाथ में रहे। पहले जैसे आपने कहा कि वालिद साहब के टाइम पे ज्यादा काम आता था, अभी कम काम हो गया है, तो आप मैनेज कर पाते हैं घर का सब खर्चा वगैरह? नहीं। फिर कुछ और इसके साथ करने का सोचा? हाँ, ये परफ्यूम का काम करता है, अतर वगैरह का, फिर ये डायपर है। अच्छा। तो वैसे मैं भी जॉब की तलाश में हूँ, मैं चाहता हूँ जॉब मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट काम है और मेहनत के पैसे नहीं मिलते इसके अंदर। पहले तुम जाया करते थे आप लोग, लोगों आना ही होता है जी, अब तो कपड़ा सस्ता हो गया, हम नया कपड़ा ले आएंगे हमको, भैया आप अपनी जगह में ठीक हो, मैं अपनी जगह में, मैं तो अपना ये देखूंगा कि मेरे का टाइम कितना खर्च हो रहा है, मैं अपनी आंखें कितनी व्यस्त कर रहा हूँ उस काम के अंदर, मैं तो फिर अपने टाइम को लेकर चलूँगा, मैं कपड़े की वैल्यू को नहीं देखूँगा, मैं तो अपनी टाइम की वैल्यू देखूँगा, मेरा टाइम कितना लग रहा है इसके अंदर। अगर जॉब लगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो दुकान डाउन करने पड़ेगी, बड़ा बंद करने पड़ेगी, क्योंकि मेरा उसमें
नहीं चल पा रहा मेरा। रंगाए न दे मोरी लाल चुनरिया, रंगाए न दे मोरी ऐसी रंग दे के रंग ना छूटे, ऐसी रंग दे के रंग ना छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंगाए न दे मोरी। सीखने में कम से कम 3 से 4 साल लग गया। होता है जैसे कि अब काम वगैरह नहीं मिलता, एकदम मंदा हो जाता है बीच में, तो सोचते हैं थोड़ा कोई काम चेंज कर ले, लेकिन वो कुछ टाइम गुजरता है तो फिर काम चल पड़ता है। मेरा कोई इरादा नहीं है बच्चों के सिखाए, हम उनको पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा कर। तो आपके बाद आप अपने बच्चों से आगे ये काम नहीं चलवाएंगे? नहीं, ये सोच तो ये रखा है। कुछ कलर होते हैं को हम बना नहीं पाते उस चीज। हाँ। तो वो मशीन से जो आप कहते हैं कि ब्राइटनेस आती है, वो हाथ से नहीं आती, आप ये कहें? हाँ, क्योंकि हाथ से डाई करना तो एक कच्चा कहलाता है ये काम। ज्वेलरी का काम हमारा खानदानी काम है, हम लोहरी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जी। तो ये काम हमारा नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। ये काम असल में इंडिया का नहीं है, ये है काम पर्शियन। तो काम का लुक जो है अब वो बहुत चेंज हो चुका पहले के मुकाबले। असल अगर जो साझेदारी हम काम देखेंगे पहले का, जबकि और अब के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, और वो बात अब है भी नहीं। फ़र्क असल में ये है कि जो काम पहले हाथ से, हर काम हाथ से हुआ करता था, अब उसका एक पैटर्न बना लिया, उसे कास्टिंग मशीन में उतार के बना लिया। हालांकि उसमें वो बात नहीं है, पर टाइम कम हो गया उसमें, तो लेबर कम हो जाती है, फिर उसकी छिलाई में वो चमक नहीं रहेगी। जो एक शीट रोल के नीचे दब के निकलती है, फिर उस पर छिलाई होती है तो उसकी चमक और होती है। आर्टिफिशियल में हर वैरायटी मौजूद है, सस्ता होने की वजह से लोग उसी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। गोल्ड की रेट ज़्यादा है, फिर मेकिंग है, फिर उसको चोरी होने का या हर तरह का ख़तरा भी है लोगों को, जो आजकल के हालात हैं। तो इस वजह से लोगों का रुझान जो है आर्टिफिशियल की तरफ ज़्यादा हो गया। और मैं जो बात कर रहा हूँ साझेदारी की जी, तो साझेदारी को तो असल में जानने वाले ही ख़त्म हो गए, ना उनकी मजदूरियाँ दे सकते हैं ना उनको समझ सकते। और बाकी जो स्लो डाउन समझेंगे हम, पूरी ज्वेलरी में ही है, पूरी ज्वेलरी में आर्टिफिशियल की वजह है। बढ़ती हुई महंगाई जी, लेबर ना दे सकना लोगों का इतना, और फिर फैशन अलग अलग ट्रेंड, अलग अलग कलर मैचिंग, तो उसमें जो है फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल रही है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने रियल ज्वेलरी का काम छोड़कर आर्टिफिशियल के अंदर घुस गए, और गरीबिया तक में है, बड़ी बड़ी मार्केटों में, करोल बाग में, ऐसी बड़ी मार्केटों में भी उन्होंने रियल ज्वेलरी का काम खत्म करके आर्टिफिशियल शुरू कर दिया। आपने अपने आगे बच्चों को सिखाया है थोड़ा बहुत का? नहीं, मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा। तो मैंने उनको जब ही देखा था, मैंने हालात कि आगे अच्छे नहीं है इस काम के, तो मैंने इस लाइन से उनको ही दूर रखा। यहाँ 1975 से हमारी शॉप जो है, इससे पहले जो थी ये मार्केट यहाँ शिफ्ट हुई थी 1975 में। पहले जो जामजीद की वॉल थी, इसके साथ एक कमर्शियल मार्केट थी, वो 40 से थी, 1940 से हमारी दुकान तब से थी वहाँ पे। तो ये काम आपका रिकॉर्ड्स का कब से है? 1930 से है हमारा, क्योंकि जो मेरे दादा थे वो कवालियों का शौक़ रखते थे उस ज़माने में, तो शौक करते करते फिर वो रिकॉर्ड्स का काम भी चालू कर दिया था उस ज़माने में। सबसे पुराना रिकॉर्ड आपके पास कब का है? सबसे पुराना आप समझ लें 1904-05 का भी होगा मेरे पास, नॉन फिल्म भी है। और जो पहली हिंदुस्तानी हिंदी टॉकी की मूवी का रिकॉर्ड बना है, माधुरी फिल्म का बना है 1932 का। LP और EP आने चालू हो गए थे 33 और 45 RPM के। अब जब उसको कंटिन्यू करते गए 80s के अंदर आके, शुरू में 82-83 के अंदर फिर ऑडियो CDs आनी चालू हो गई थी। अब वो जब हुई तो कंपनी ने क्या करा कि नया फॉर्मेट लेके आना है तो आपको पीछे का फॉर्मेट बंद करना पड़ेगा, तो उन्होंने रिकॉर्ड विनाइल जो है बनाने बंद कर दिए। लेकिन वो हुआ नहीं, का सक्सेस हुआ नहीं। कुछ टाइम बाद 10-15 साल बाद उनको दोबारा रिलाइज हुआ कि ये डिजिटल की तरफ हम लोग गलत चले गए, इसमें एनालॉग चाहिए हमें।
तो वापस फिर रिकॉर्ड्स बन के आने चालू हुए और फिर दोबारा डिमांड हुई है। और जो एनालॉग में आता है साउंड वो डिजिटल में नहीं आता है। एक्चुअली हर चीज़ में फ़र्क होता है उसके अंदर। उसमें तो फ्रीक्वेंसीज बनी हुई होती हैं डिजिटल के अंदर कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसमें अप डाउन होता रहता है, बेस अलग आती है, ट्रबल अलग आती है, और एक साउंड क्वालिटी आपको अलग ही पता, एनालॉग की तो अलग ही होती है। हाँ तब्दीलियाँ तो बहुत देखी है। तो उर्दू बाजार जो उर्दू बाजार तो वो तो है नहीं, अब जैसे था रौनक थी पहले, अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। पुरानी तो भाई रौनक तो अलग ही थी, शोरा हजरात आते थे, कहीं अदीब आते थे। कौन कौन से? जैसे ख्वाजा हसन निज़ामी साहब हैं जी, ख्वाजा मुल्ला वाहिदी हैं मेरे वालिद के ज़माने में। मेरे ज़माने में तो आजकल के में जो है मुख्तलिफ़ शोरा, जैसे राहत इंदौरी हमारे दोस्त थे, मुनव्वर राना मेरे दोस्त हैं जो आते हैं, या शायर में तंज़ व मज़ा के हैं पापुलर मेरठी मोहम्मद एजाज, वो आते हैं अक्सर यहाँ। अच्छा। इकबाल अशहर हैं दिल्ली के मशहूर शायर, तो मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं। उस ज़माने से आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो बातें जो पुरानी बातें थी वो कहाँ हैं, उर्दू से बिल्कुल नाबलद हो रहे हैं लोग, है कहाँ। उर्दू बोली नहीं, अब तो जो भी है उर्दू की किताब चाहते हैं वो रोमन में लिखी हुई है, अंग्रेज़ी की रोमन में, उर्दू भी रोमन में होनी चाहिए। आपके यहाँ पहले जिस किस्म के लोग आते थे, एज ग्रुप के हिसाब से, लोगों के शौक के हिसाब से, क्या चेंज आपने देखा, तब्दीली क्या? अब बस नई जो फौज गैर मुस्लिम भी जो आ रहे हैं तो वो शायरी पसंद करते हैं और वो चाहते हैं डीपी उसकी अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, उर्दू तो हो मगर वो सुजाद अंग्रेज़ी हो तो हम उसमें पढ़ लें। मनोवर राना या जो भी शायर आजकल के जदीद हैं उनका तर हिंदी में होना चाहिए। 1896 तसव्वुफ़ की किताब है, मक्तूबात है, यही है मुनीर रहमतुल्लाह अलैह। मैं 1978 को हूँ। तब्दीली तो वक्त के साथ साथ है ही। जब मैं आया था तो उर्दू बाज़ार कहलाता था, लेकिन फ़िलहाल जो है वो चंद दुकानें रह गई हैं उर्दू किताबों की, जिसमें अदबी किताबों की सिर्फ दो दुकानें हैं, मकतबा जारिया या कुतुब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू। और जहाँ तक ख़रीदारी का सवाल है तो ख़रीदारी पहले से बेहतर है उर्दू की जी। शायरी जो है वो तो एक ज़बान के चटखारे का मामला है ना, तो इस वजह से शायरी तो ख़रीदते ही हैं लोग, और उसमें भी चंद शायर ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं हमेशा के लिए, जैसे कि गालिब हैं। समझ आए ना आए लेकिन दीवाने गालिब ख़रीद लेता है आदमी, समझ आए ना आए कुल्लत इकबाल ख़रीद लेता है, या बशीर बदर हैं, परवीन शाकिर साहब हैं, इनकी किताबें आवाम में लाइव हैं। खास तबका है जो जॉन एलिया को पसंद करता है, अभी चंद साल से देख रहा हूँ। हुसूल ज़र की खातिर भी बहुत से लोगों ने दुकानें कारोबार ख़त्म कर दिए। ये हमारा जो धंधा है एक्चुअली थर्ड जनरेशन है जी। ये मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, मेरे दादाजी ने, तो शुरू उन्होंने कब किया है तो एग्जैक्ट साल तो मुझे याद नहीं होगा, बट आई वुड से जस्ट अराउंड इंडिपेंडेंस टाइम, लिटिल बिट बिफोर और आफ्टर इवन, तो तब से शुरू है हमारा, काफ़ी पुराना काम है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम, तबला, सितार, ढोलक, ऑल दी थिंग्स। हारमोनियम हमारी मेन लाइन है जी। पहले भी सारा कुछ हाथ का काम होता था, अभी भी सब कुछ हाथ से ही होता है, सारी बनावट, सब चीज़ें, एवरीथिंग इज ऑल, देर इज़ नो मशीन्स, देर इज़ नो नो मशीन्स एवर यूज्ड इन एनी प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर हमारे हारमोनियम्स की फिटिंग की जाती है, जैसे हारमोनियम की चाबी एक कारीगर ने बनाई, पॉलिश दूसरी जगह हुआ, उसके बेलोज तीसरी जगह फिट हुए, और सारे स्पेयर पार्ट्स आके यहाँ पर मिलते हैं, और ये एक तरह का एक असेंबली यूनिट है। यहाँ पर ये सारा कुछ फिट किया जाता है, सारे स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर बनके इसकी फिटिंग होती है, और ये फिर कंप्लीट हारमोनियम यहाँ बनता है, इसको फिटिंग रूम कहते हैं। जैसे इनके यहाँ पर सामने के नॉब्स हो गए, एक मिनट ज़रा से ऐसे लटाना हारमोनियम, इसके पीछे की बेलो, इसके ये सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स लगाने, जैसे हैंडल और चाबियों की फिटिंग, इसके आगे के लट्टू, सारा कुछ यहाँ पर फिट किया जाता है, और ये तैयार हारमोनियम बन जाता है।
जैसे आप देख रहे हैं ये चाबी बन के यहाँ पर आ गई, इसके नीचे का पार्ट, और फिर इसमें हाथ से ये रीड फिट किए जाते हैं, आवाज़ ही नहीं इससे निकलती। जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंज तो नहीं आई है, क्योंकि सारा हाथ का काम है, हैंड क्राफ्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस तो आई नहीं है। बाकी जो मॉडल्स थोड़े थोड़े चेंज होते रहे हैं, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती रही है, पोर्टेबल चाहिए जैसे चाहिए, तो उस टाइप से हारमोनियम्स में चेंजेस आई हैं। पहले जो एवरेज मॉडल्स ज़्यादा चलते थे, अब थोड़े एवरेज से थोड़े से ऊपर के हारमोनियम्स हैं, वो अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है थोड़ी सी लोगों की, तो उसमें थोड़े से बेटर मॉडल्स भी ले लेते हैं, ऊंचे मॉडल्स जो होते हैं। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। हाँ, वो कस्टम मेड हारमोनियम बनते हैं वो अभी भी बन रहे हैं, पहले कम बना करते थे। पहले रूटीन की प्रोडक्शन होती थी, अब रूटीन के अलावा थोड़ी सी कस्टम मेड भी होती है। तो क्लासिकल म्यूजिक की समझ और सीखने वाले दोनों लोग कम हुए हैं। हाँ, थोड़े कम हुए हैं। हाँ, सेलिंग आपकी इंस्ट्रूमेंट्स की कम हुई? नहीं, सेलिंग तो उतनी ही है, मतलब पहले से तो थोड़ी सी इम्प्रूव ही हुई है। हैंडलूम जो है अपने आप में ये कहना कि खत्म हो रहा है, नहीं है, क्योंकि जो थोड़ा माल बनता है, जो चेंज वैरायटी डिजाइनिंग हम हैंडलूम में कर सकते हैं वो पावर लूम में संभव नहीं है। मिल में कपड़ा बनेगा कम से कम 500 मीटर 1000 मीटर बनेगा, ये एक व्यवसाय ही नहीं है, अपने आप में कला है, और मैं तो कहूंगा एक डिमिनिशिंग आर्ट है जो लोग छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि पैतृक काम था कपड़े का, तो पिताजी की इच्छा थी क्यों इधर दूसरी जगह जाते हो, मैं बुढ़ारा हो रहा हूँ, आओ अपना ही काम संभाल लो। तो अपना जिसको हमारे यहाँ परंपरा है, परिपाटी है कि बाप का काम बेटा संभाल लेता है, उसी परिपाटी में वंशानुगत कार्य में हम भी इस लाइन में ही जुड़ गए, तो कपड़े की लाइन में इस तरह आ गए। और वैसे अगर देखा जाए तो कोई विशेष कपड़े की इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, यहाँ आके बैठे काम करते करते जैसे आदमी सीख जाता है देख देख के, तो उसी से हम कपड़े के मास्टर हो गए। अगर प्योर कॉटन बनाया जाए तो शायद पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा हमें, यदि पॉलिस्टर और विस्कोस निकाल दिया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से तो हमें आपको पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कॉटन की कि आप जेब से बाहर हो जाएगा। उससे नुकसान भी हुआ और लाभ भी है। लाभ ये है कि सबको कपड़ा मिल रहा है, नुकसान ये है कि जो आर्ट थी वो खत्म हो गई। ये भी तो एक पढ़ाई है, एक कला सीख रहा है। घर में उन्होंने एक खड्डी लगा रखी है, तो मियाँ जी कहीं काम करने गए तो बीवी बैठ गई, बीवी बैठ गई तो लड़की बैठ गई खड्डी पे बुनने में, करते थे करते हैं। यह दुकान हमारी 1954 से हमारे पिताजी ने शुरू करी थी, ये सारी हार्डवेयर की मार्केट है जी। और हम एक अकेले यहाँ कपड़े वाले हैं। हैंडलूम की ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो रहा है परंतु नई पीढ़ी नहीं आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सी क्वालिटी ऐसी जो हैंडलूम पे ही बनती है और पावर लूम पे नहीं बन सकती। एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर देखिए, अगर बुनकर मोमडेंट्स हैं तो धुलाई वाले हिंदू हैं। अब माल आपका बन गया, अब होली आ गई तो होली जी 3 दिन की छुट्टी है, होली जी ईद है तो अच्छा वो भी छुट्टी बना के बैठ जाते हैं। हमारी फैक्ट्री में था, आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे, हमने कहते हैं वो ईद पे गए तो तुम तो बोलो, कहते खाली खाली हॉल में मजा नहीं आता जी, एक दूसरे के बार काम नहीं हो सकता। जितने बुनकरों में है अगर 60% मोमडन है तो 40% हिंदू है, जो फिनिशिंग वाले हैं वो 80% हिंदू है तो 20% ही मोमडन है, धागे वाले 80% हिंदू है तो 20% मोमडन है, तो मतलब एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं।